जल्दी वो पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं कि माँ बाप के हाथ में जाके सैलरी देनी होती है, तो मम्मी बोलेगी तू फर्स्ट सैलरी पे ही लोहा लेके आ गया। तो उसके बाद एयरफोर्स में चला गया, तो साइकिल का प्यार थोड़ा सा पीछे रह गया था, फिर कोरोना जैसे ब्लेसिंग्स लेके आया। उससे पहले मैंने बेटे को साइकिल लेके दी थी तो वो चलाता नहीं था आज से 5-6 साल पहले। तो जैसे हम एक्स एयरफोर्स फौजी हैं, हमें अपनी चीज़ें मेंटेन करने की आदत होती है, तो मैं 3 बार उसके खड़े खड़े टायर ट्यूब चेंज करा चुका था। तो एक दिन साइकिल उठाई और मैं अपना मनसा देवी मत्था टेकने चला गया, तो अच्छा लगा। उससे अगले संडे मैं नाड़ा साहब गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने चला गया। आफ्टर वर्क देर आर नो लुकिंग बैक। 5 साल मैं एवरी संडे साइकिलिंग करता रहा। उसके बाद लास्ट ईयर से मैंने सोचा कि डेली करूँगा। लास्ट ईयर सिर्फ मैं 5 दिन रेस्ट लिया, वो भी डॉक्टर ने 3 हफ्ते का रेस्ट बोला था, गिर गया था। तो 6ठे दिन से फिर मैंने साइकिलिंग शुरू की और सेंचुरीज का जो सिलसिला शुरू हुआ, एक दिन मेरे मन में वैसे ही आया कि हम साइकिलिस्ट के लिए सेंचुरी लगाना क्रिकेट के में देखें तो छक्का लगाने के बराबर होती है। उन्हें जब युवराज सिंह 6 छक्के लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो पहला छक्का जो मैंने लगाया, मैंने 214 किलोमीटर चलाई। यहाँ से निकला, अम्बाला गया, सहा शाहबाद वापस घूम के जब घर पहुँचा तब भी 184 ही हुए। तो पानी मेरा पिया, फिर मैं साइकिल उठा के निकलने लगा। तो वही कहती कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा 200 भी हुए। फिर मैं एरो सिटी निकल गया, 11 बजे से पहले 214 किलोमीटर करके आ गया। तो उसके बाद ऐसा मतलब चस्का पड़ गया कि मैं डेली सेंचुरी लगाने लग पड़ा। और शुरू में मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग माय एम वाज टू गेट माय नेम रजिस्टर्ड इन सम रिकॉर्ड बुक, बट आफ्टर 50 ओवर राइड्स आई थॉट कि इफ आई गेट माय नेम एंटर्ड इन एनी रिकॉर्ड बुक व्हाट द सोसाइटी विल गेट। बीइंग फ्रॉम डिफेंस, मतलब कि हमें अपने पैशन को सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए। Then I started visiting schools and offices to influence and motivate people to come on cycling. So, मैं सभी को यही बोलता हूँ कि I am 16+36 कि जब मैं इतनी साइकिलिंग कर लेता हूँ तो आप छोटे छोटे कामों के लिए क्यों अपना कार मोटरसाइकिल और एक्टिवा निकालते हो। बच्चे को कुछ सामान लाने के लिए बोलो तो वो घर में ढूंढता है कि कार या मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ पड़ी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि आप एटलीस्ट छोटे छोटे कामों के लिए तो साइकिल शुरू कीजिए। और आजकल जो हम लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो रहे हैं वो मेन कारण ये इनएक्टिविटी। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि हाँ, हो सकता है आपको साइकिलिंग ना पसंद हो, तो एटलीस्ट मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया से बाहर रखिए। और वी आर फॉर्चुनेट वी आर हैविंग डेकाथलॉन।